मंदिर मस्जिद तो हार जान की जरूरत को ना, उस घर में कदे टोटा नहीं आवे। आइए ध्यान से सुनिए, अपने अपने माँ बाप से प्यार कौन कौन करता है, हाथ उठा के बताओ जी। अपने अपने माँ बाप किसने देखे हैं? सभी ने देखे हैं ना, हाथ उठा के बताओ जी। शर्माओ मन, अपने अपने माँ बाप देखे हैं ना, जिनकी बदौलत से हम यहाँ बैठे। आइए एक भजन सुनिए, ध्यान से सुनने लायक भजन। अपनी गारंटी है कि बात समझ में आओगी। सुनिए ध्यान से कैसे दर्शाते हैं। संजय सरपत जी 100 रुपए से मान सम्मान करते हैं माँ बाप के भजन पे, इनको बार बार धन्यवाद। पहले नंबर पे दर्शाते कवि, किसने सृष्टि रची, क्या क्या चीज किसके बांड आई, क्या बताते हैं सुन के भाई। सबके पहरेदार बने, सबके पहरेदार बने। ओ नर और नारी बंदे मिलके सृष्टि के हकदार बने, हकदार बने। नारे नारे हक तनु के कर्मों के अनुसार बने, कर्मों के अनुसार बने। Yeah!
इस धरती पर लाने के लिए 9 महीने गर्भ में रखती है, अपने औलाद को जन्म देने के लिए हथेली पर चार रख करके जन्म देती है वो माँ। कैसे दर्शाते हैं दूसरे नंबर पे क्या लिखा कभी ना? क्या बताते हैं कभी तीसरे नंबर पे क्या दर्शा सुनिए। Thank you.
चौथे नंबर से वाला किया कमी ने कि जिस घर के अंदर माँ बाप की सेवा माँ बाप की इज्जत है उस घर में कभी टोटा नहीं आवा सजनों अपनी गारंटी है। और जिस घर में माँ बाप की सेवा ना माँ बाप की इज्जत ना है वो कितने नहान करा लो कितने सत्संग करा लो उसका कोई फायदा ना है। जिस घर में माँ बाप की इज्जत है उस घर में भगवान को खुद को आना पड़ता है। क्या दर्शाते हैं चौथे या बैठी थारी माँ घर में क्या क्या भूखे कामद नूस का घर में चुप पेटा आ जागा या तो लक्ष्मी जैसी माँ घर में लक्ष्मी जैसी माँ घर में